नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द न्यूज टाल पर, जहां पर आप जानने वाले हैं देश और दुनिया की 50 से भी ज्यादा बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वृद्धि के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में बिहार राज्य के मुख्यमंत्री कौन है। जी हाँ, कमेंट करके उनका नाम जरूर बताएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की खबरों की कारवा को। अफगानिस्तान जेलों से रिहा हुए आतंकी तो पाकिस्तान को सताया डर, तालिबान से बोला घर में घुसकर कर सकते हैं हमला। नेशनल हाईवे पर कराई जाएगी एयरफोर्स की विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, राजस्थान के बाड़मेर में राजनाथ और गडकरी भी रहेंगे सवार। भूस्खलन के कारण भारत के शेष हिस्सों से कटा सिक्किम, सफाई का काम जारी। कोरोना से मौतों का आंकड़ा 167 दिनों में सबसे कम देश भर में, 40,000 से कम आए एक दिन के मामले, साथ ही एक दिन में 219 लोगों की गई जान। मोनेटाइजेशन स्कीम पर मोदी सरकार को अपनों ने घेरा, आरएसएस के संगठन करेंगे राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन। भारत के लिए कई मोर्चों पर खतरा पैदा कर रहा चीन, पैसे बहाकर बॉलीवुड से लेकर यूनिवर्सिटी तक के क्षेत्र में बड़ा हाथ दखल। एक और चुनौती होगी दूर, सियाचिन लद्दाख में तैनात जवानों के लिए खास कपड़े अब देश में ही बनेंगे। पैरालंपिक में भारत को 19 पदक, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा चमत्कार के लिए नरेंद्र मोदी को दिया जाए क्रेडिट। सशस्त्र बलों को वीरता पदक प्रदान करने वाले तंत्र को मनमाना घोषित करने की मांग, दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका की गई दायर। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का हुआ सिलेक्शन, जल्द होगा ऐलान। यूपी के पूर्व गवर्नर कुरैशी के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज, योगी सरकार पर की थी अमर्यादित टिप्पणी। बड़ी खुशखबरी, दिवाली से पहले 6 करोड़ लोगों के खाते में पैसा जमा करेगी सरकार, चेक कर सकते हैं बैलेंस। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बरामद की 1.5 करोड़ रुपए की हेरोइन, ड्रग तस्करी में 3 लोगों को किया गिरफ्तार। अब 27 सितंबर को होगा भारत बंद, महापंचायत में किसान मोर्चे ने किया ऐलान। बहन जी को सीएम बनाना है कि नाम पर चंदा वसूली को लेकर मायावती ने किया सतर्क, बीएसपी से निष्कासित नेता पर केस दर्ज। कोरोना से अपनों को खोने वालों को इस सप्ताह से मिलेगी आर्थिक मदद, फंड जारी। किसान आंदोलन के कारण सिंगू बॉर्डर को खाली कराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट जाने के दिए निर्देश। खुशखबरी, 8 सितंबर से नेशनल हाईवे पर मिलिट्री विमान की लैंडिंग, देश का पहला रनवे बनी बाड़मेर की सड़क। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नकली टीके की पहचान के लिए जारी की गाइडलाइंस। तालिबान के लिए मैदान जंग में उतरा पाकिस्तान, पंजसी जीतने में मदद को पाक एयरफोर्स ने ड्रोन से की बमबारी। राजधानी दिल्ली में अभी मेहरबान रहेगा मानसून, IMD ने 9 सितंबर तक बारिश से जारी रहने का अलर्ट किया जारी। बिहार में तेज प्रताप ने छात्र जनशक्ति परिषद बनाने का किया ऐलान, बोले यह तेजस्वी की मदद के लिए बनाई गई है। यूपी के दिवंगत कल्याण सिंह के नाम पर होगा कासगंज का नामकरण, जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पारित। मिजोरम में कोरोना संक्रमण के 444 नए केस आए सामने, पॉजिटिविटी रेट 21.26%, राजधानी आइजोल में लॉकडाउन 18 सितंबर तक बढ़ाया। पीएम मोदी ने आज हिमाचल में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से की बातचीत, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी रहे मौजूद। मेडिकल कॉलेज के ऑल इंडिया कोटे में आरक्षण के फैसले को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस। अफगानिस्तान में विरोध का आखिरी किला भी ढहा, पंजसीर पर कब्जे के बाद बोला तालिबान अब देश की सभी समस्याएं हुई खत्म। 100 सालों की सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ जंग में टीकाकरण का चैंपियन बनकर उभरा हिमाचल, पीएम मोदी का बयान। इमरान खान के जहरीले बोल, गिदड़ भभकी देते हुए कहा भारत का असली चेहरा लाएंगे दुनिया के सामने।
यूपी में अब भूमाफिया की खैर नहीं, 1.5 लाख एकड़ से ज्यादा भूमि कराई खाली। सीएम योगी ने 187 को भेजा जेल। गृह मंत्रालय की मंजूरी के बिना देश छोड़कर नहीं जा सकते अफगान नागरिक, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। पंजाब चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की बड़ी चिंता, कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने गांव में प्रवेश पर लगाया बैन। जावेद अख्तर के आरएसएस की तालिबान से तुलना करने से शिवसेना भी भड़की, सामना में दिया करारा जवाब। वसूली कांड में देश छोड़कर भागने की फिराक में अनिल देशमुख, ईडी ने जारी किया लुक आउट नोटिस। संतों के विरोध के बाद ओवैसी की AIMIM ने सुधारी गलती, फैजाबाद को बदल कर किया अयोध्या। जम्मू कश्मीर में कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए खुलेंगे स्कूल, प्रशासन ने दी अनुमति। राजस्थान में अब मुफ्त में नहीं मिलेगा युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, 4 घंटे सरकारी विभाग में करना होगा काम। आगरा में खुलेगी पहली उत्तर प्रदेश की निजी मंडी, 600 किसानों का समूह करेगा संचालित। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के अंदर मुल्ला हसन, अखुंद के हाथों में हो सकती है देश की कमान। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का ऐलान, दुनिया की 100 सबसे बेहतर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले टीचर्स, दिल्ली सरकार उठाएगी पूरा खर्च। सुपरटेक एमरोल्ड केस की जांच के लिए आज नोएडा आएगी SIT, अथॉरिटी ने तैयार किया रिकॉर्ड, योगी सरकार ने दिखाई है सख्ती। मध्य प्रदेश में बारिश के लिए दामों में मासूम बच्चियों को निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया गया, NCPCR ने कलेक्टर को भेजा नोटिस। रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा बाजार, सेंसेक्स पहली बार 58,500 के पार, निफ्टी 17,400 के ऊपर। कोयला तस्करी मामले में ईडी के सामने हाजिर हुए अभिषेक बैनर्जी, CID की पूछताछ में शुभेंदु अधिकारी रहेंगे दूर, किया ईमेल। बंगाल हिंसा के तहत पिछले 4 महीनों से BJP कार्यकर्ता का शव पड़ा है मुर्दा घर में, परिवार ने कोर्ट में लगाई फरियाद, मांगी DNA रिपोर्ट। सिक्किम में भारी बारिश के बाद भूस्खलन, राहगीरों की बड़ी मुश्किलें, मिट्टी की वजह से नेशनल हाईवे ब्लॉक। BJP नेता ने साहू समाज को लेकर दिया आपत्तिजनक बयान, ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद देना पड़ा इस्तीफा। पश्चिमी अफ्रीकी देश गिनी में सैन्य तख्ता पलट, सेना ने राष्ट्रपति को हिरासत में लिया, सरकार और संविधान को किया भंग। बंगाल विधानसभा स्पीकर ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को पत्र लिखकर दिया कड़ा जवाब, कहा विधानसभा के कार्य में हस्तक्षेप कर गरिमा कर रहे हैं नष्ट। पीएम मोदी इसी महीने 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे अमेरिका, कई विशेष मुद्दों पर हो सकती है बातचीत। कर्नाटक में कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए फिर से खुले स्कूल, सरकार ने बनाई विशेष गाइडलाइन। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन भी BJP विधायकों का जोरदार प्रदर्शन जारी, सदन के गेट पर गूंजा जय श्री राम का नारा। हमारे सब्र की परीक्षा न ले, हम टकराव नहीं चाहते, ट्रिब्यूनलों में नियुक्तियों की देरी पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को फटकार। बिहार में प्रेमा चौधरी की RJD में घर वापसी, नीतीश कुमार पर धोखेबाजी का आरोप लगाकर JDU से किया इस्तीफा। नेपाल में बाढ़ से तबाही, काठमांडू में 380 से ज्यादा घर डूबे, कई इलाकों में भारी नुकसान। 9 सितंबर को आयोजित होगा ब्रिक्स देशों का शिखर सम्मेलन, सूत्रों से मिली जानकारी। अमेरिका से सौदेबाजी में जुटा तालिबान, 1,000 से ज्यादा लोगों के मुल्क छोड़ने पर लगाई रोक, एयरपोर्ट के पास किया कैद। राजस्थान में बारिश से किसानों के चेहरे पर लौटी मुस्कान, अगले कुछ दिनों में कई जिलों में भारी बारिश के आसार। दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट, इजरायली दूतावास की बढ़ाई गई सुरक्षा, दिल्ली पुलिस सतर्क। दिल्ली में इतिहासकारों की मांग, दिल्ली विधानसभा के नीचे मिली ब्रिटिश काल की सुरंग की हो वैज्ञानिक जांच। आज से खुला दिल्ली का JNU, छात्रों को फिजिकल कक्षाओं में शामिल होने पर लानी होगी नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।